हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं जेमिनीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं केस्ड लव डैमेज्ड एंड टेन ऑफ कप्स रिवर्स। और देखिए, ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि पीछे कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर एक हर्ट, एक पेन आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का या फिर आपके दिल का या आपका नुकसान हुआ है, और कहीं एक घुटन, एक सफोकेशन भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड टेन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी है, या फिर पूरी तरीके से आप चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। एक टुगेदरनेस है, एक कंपेनियनशिप है, लेकिन फिर से मैं कहूंगी एक मिसिंग फीलिंग भी साथ ही साथ रह रही है। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कंप्लीशन चाहते हैं, फॉरएवर इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में चाहते हैं, एक कंपेनियनशिप, एक टुगेदरनेस चाहते हैं, और कहीं ये टुगेदरनेस, ये कंपेनियनशिप है भी, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, और शायद इसीलिए पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं। और देखिए, मिड अप्रैल के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत ही करेजियसली हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कहीं बोल्ड डिसीजंस, बोल्ड चॉइसेस भी लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, बियॉन्ड द पॉइंट किसी से भी नहीं डर रहे हैं। अगेन, आपकी तरफ से काफ़ी एक्शंस, इनिशिएटिव्स भी रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए लिप सर्विस का कार्ड कहता है, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बातें तो इस रिलेशनशिप में बहुत हो रही हैं, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं हो रहा है, या फिर कॉन्क्रीट कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है। और देखिए, एंड अप्रैल के लिए रेंदोवेस का कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत चाह रहे हैं, कहीं अगेन एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, और इसी से ही रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ से, फिर से मैं कहूँगी, डर नहीं रहे हैं, आप अपफ्रंट होके हर चीज़ का सामना कर रहे हैं। आपके में ऐसी फीलिंग हो सकती है कि चाहे जो भी हो आप गिव अप नहीं करेंगे, बहुत जबरदस्त एक विल पावर, बहुत जबरदस्त एक डिटर्मिनेशन अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए रहता हुआ दिख रहा है, जहां पे अगेन मैं कहूंगी आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव भी लेते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज हैं उनको खत्म करने के लिए, कहीं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। और अब देखते हैं जेमिनीज के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, सबसे पहला कार्ड है कैक्टस हार्ट गार्डेड, और ये कार्ड कहता है कि पीछे आपके पार्टनर ने भी एक तकलीफ, एक परेशानी इस रिलेशनशिप की वजह से फेस करी, जहाँ पे वो इमोशनली बहुत हर्ट हुए, और कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में उनको ऐसा लग सकता है कि भाई अब वो और हर्ट नहीं होना चाहते हैं, और इसीलिए कहीं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, दिल को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, अपने दिल को अगेन मैं कहूँगी गार्ड करते हुए
हुए दिख रहे हैं एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा बिहेवियर हो जो थोड़ा सा ब्लंट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और जो आपको हर्ट करे। और देखिए आपके लिए यहाँ पे केस्ट हार्ट डैमेज में हमने देखा भी कि कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का एक ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड यू नो अगेन बिहेवियर एक्शन आपको हर्ट कर रहा है, या फिर उनकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको हर्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज, आपके पार्टनर की इंटेंशंस बुरी नहीं है, आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को या फिर अपनी इमोशंस को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड देखिए सरफेस लेवल के लिए हैंगमैन का कार्ड कहता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से या फिर किसी भी और चीज़ की वजह से काफ़ी स्टक वो अप्रैल स्टार्टिंग में महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, कहीं एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं और कहीं चीज़ों को डील करने का देखने का नज़रिया भी बदलना चाह रहे हैं या बदल रहे हैं। उनकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स भी इस रिलेशनशिप के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। एंड मिड अप्रैल के लिए सन एंड डीप कॉन्वर्सेशंस के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत ही गहरी बातचीत आपसे करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, बहुत डीप यू नो फीलिंग्स इमोशंस अगेन मैं कहूँगी शेयर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। देखिए इस कार्ड को भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक पिटारा है, उसमें से बहुत सारे दिल बाहर निकल रहे हैं जब ये पिटारा खुल रहा है, तो ऐसे ही अपने दिल का पिटारा कहीं खोलते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो बहुत चीज़ें उन्होंने दबा के रखी हुई थी, जो शायद अभी तक नहीं कहीं या बहुत टाइम से नहीं कहीं, वो कहते हुए दिख रहे हैं। अगेन देखिए नटशेल में बहुत गहरी बातचीत आपसे करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और सन का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है, हैप्पीनेस जॉय की बात करता है, कहीं फ्रेश बिगनिंग की बात करता है, और ऐसा ही आपके पार्टनर महसूस करते हुए भी दिख रहे हैं। बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट उनकी एनर्जीज में अप्रैल मंथ में या फिर मिड अप्रैल में रह रहा है, जहाँ पे देखिए कहीं मिड अप्रैल में अगेन मैं कहूँगी उनकी तरफ से भी एक्शन इनिशिएटिव रह सकते हैं। लेकिन देखिए एंड अप्रैल के लिए यहाँ पे फोर ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इमोशनली वो लो फील कर रहे हैं, उनको ऐसे लग सकता है कि पीछे अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, अच्छी चीजें थी जो उन्होंने मिस करी, या फिर से मैं कहूंगी कि उतना एंथुजियाज्म जो वो मिड अप्रैल में महसूस कर रहे थे वो कहीं नहीं वो महसूस कर रहे हैं, या देखिए हम कह सकते हैं कि एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट मिसिंग है, बहुत लो एनर्जीज में है, जहाँ पे इतने एक्शन इनिशिएटिव्स भी वो नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए रोज कलर्ड ग्लासेस का कार्ड कहता है जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उनको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से ही देखते हुए दिख रहे हैं, कुछ इश्यूज कुछ मसले भी हैं तो उनको लेकर मन ही मन एक पॉजिटिविटी वो रखना चाह रहे हैं। और देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो अप्रैल स्टार्टिंग में उनकी तरफ से बहुत ही एक्टिव एनर्जीज नहीं दिख रही हैं, और अप्रैल एंड में भी कहीं अगेन एक एक्टिव एनर्जीज नहीं दिख रही हैं, लेकिन मिड अप्रैल में उनकी तरफ से बहुत एक हैप्पीनेस जॉय रहता हुआ दिख रहा है, बहुत एक यू नो आगे बढ़ बढ़ के चीज़ों को करना या फिर अपनी फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस करना दिख रहा है। और अब देखते हैं जेमिनीज की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल मंथ के लिए देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। और देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कार्ड कहता है कि पीछे जो भी इश्यूज, जो भी मसले इस रिलेशनशिप में हुए, कहीं मन ही मन आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये मसले, ये प्रॉब्लम्स एक ब्लेसिंग ही इस रिलेशनशिप के लिए लेकर आई हैं, चीज़ें बेटर हुई हैं, आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रांग हुआ है, या फिर देखिए किसी भी तरीके की ब्लेसिंग्स उन प्रॉब्लम्स की वजह से इस रिलेशनशिप में आ रही हैं। और देखिए सरफेस लेवल के लिए एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। ब्रॉडर लेवल पे एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एफर्ट करने की बात करता है, मेहनत करने की बात करता है,
बहुत फोकस, बहुत कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को डील करने की बात करता है। और देखिए यहाँ पे कुछ जेमिनीज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में यही एनर्जीज रख रहे हैं, और कुछ जेमिनीज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आप लोग एफर्ट ले रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं बहुत एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच आप लोग रखते हुए दिख रहे हैं, कहीं टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मनी पैसा आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। और देखिए मिड अप्रैल के लिए यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्स रिवर्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस के कार्ड्स कहते हैं कि या तो आप दोनों एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, कहीं एक कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, साथ में रहना चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग अलग अलग सिटीज में रहते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसलिए ये कंपेनियनशिप, ये टुगेदरनेस नहीं हो पा रही है। या फिर देखिए मैरिज और साथ में रहना अगेन आप चाह रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसले हैं, कहीं एक मन ही मन डिस्टेंस अगेन किसी भी लेवल पे आ रहा है। यहाँ पे ये डिस्टेंस सबके लिए डिफर कर सकता है, कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल हो सकता है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी एक डिस्टेंस किसी लेवल पे आ रहा है जिसकी वजह से एक कंपेनियनशिप, एक टुगेदरनेस आप चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से एक कंपेनियनशिप, एक टुगेदरनेस नहीं रह पा रही है। और देखिए जो भी हो, कहीं एंड अप्रैल के लिए किसी चीज को लेकर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हर्ट महसूस करते हुए दिख रहे हैं, कहीं किसी चीज को लेकर परेशान रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए मन ही मन के लिए यहाँ पे ट्रायल्स ऑफ लव लेसन्स का कार्ड कहता है जो भी इश्यूज हैं, जो भी मसले हैं, उनसे एक लर्निंग लेके आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनसे लेसन्स लेके आप कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं उस पे ही फोकस करना चाह रहे हैं। और देखिए ऐसा अगर आप नहीं कर रहे हैं जेमिनीज, तो यहाँ पे कार्ड्स की तरफ से आपको गाइडेंस है कि जो भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आप थोड़ा सा पॉज करके उनको समझें, और जो भी यू नो मिस्टेक्स हो रही हैं आपसे, आपके पार्टनर से, किसी भी लेवल पे, ये बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, उनसे आप लर्निंग लें, लेसन्स लें, और कैसे आप यू नो चीज़ों को बेटर कर सकते हैं आप उसी पर ही फोकस करें। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।